प्रेज गॉड बोलेगा वो परमेश्वर की स्तुति बोलकर आकर मैं आपसे संगति करने के लिए आया हूँ, फेलोशिप करने के लिए आया हूँ बोलेगा तो उसकी तरफ आप खान मत दीजिए। या ही विल से इट्स अ ब्यूटीफुल मीटिंग दैट यू हैड इन दिल्ली। और वो आकर बोलेगा आप मीटिंग अच्छा रहा, क्या संदेश अच्छा रहा आपका, क्या प्रतिज्ञा हुआ। गॉड इज ऑन योर पार्ट। और वो बोलेगा यदि परमेश्वर के आपके पक्ष में है तो व्हाई नॉट दिस, और ये क्यों नहीं है, व्हाई नॉट दैट, वो ऐसा क्यों नहीं, व्हाई इट शुड नॉट बी दिस वे, और ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। कैन ही डू इट इन नो टाइम, क्या परमेश्वर ने ये कुछ क्षण भर में नहीं कर सकता। बट 3 वीक्स आर ओवर, और 3 सप्ताह हो गया, द होल थिंग सीम्स टू बी नॉट इन द साइट्स, और सारी बातें हमारे आंखों से लोप हो चुका है, हमारी दृष्टि से लोप हो चुका है। रियली गॉड इज ऑन योर साइड, क्या परमेश्वर वास्तविक रूप में क्या आपके पक्ष में है। डाइवोर्स दैट काइंड ऑफ कंपनी, और उस प्रकार की संगति से आप तलाक कर दो। Evil company that corrupts good manners, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। If you talk to him, और यदि आप उसको हाँ हाँ आप सुनो कहकर वार्तालाप करना शुरू आरम्भ कर, not to talk to him, we are not to listen to him, और उससे हम बात भी नहीं करना, उसको हम सुनना भी नहीं। ध्यान रखिए, I have never read that book, but I have seen a book which is titled I talk to demons. और एक पुस्तक है वो मैं शैतान के साथ वार्तालाप किया कहकर, शायद A.W. टोसर का होगा वो उस पुस्तक में मैंने नहीं पढ़ा परंतु ऐसा मैं देखा है। But I want to tell you one thing, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। It is something that we should be very careful about. और इस विषय पर हम बड़े सच्चे सावधानी रहना। If you talk to him and if you listen to him, और यदि आप वार्तालाप करने से अपने चापलूसी बात से उसको सुनने उसको सुनने के लिए आपको आकर्षित कर लेगा, you will, your whole life will be affected very badly. और शीघ्र ही आपके सारे जीवन जो है बिगाड़ हो जाएगा। The enemy wishes to raise many, many questions in our lives, especially concerning this belovedness unto which God has called you and I. और कई सवाल आपके हृदय में उगाएगा और बोएगा, उसको शत्रुओं ने बोएगा और उगाएगा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर की बुलाहट के प्रति शंकाएं उत्पन्न करेगा और आपको अलग कर देगा। Slowly he will raise some questions. और पहले तो जैसा बड़े सच्चाई मन से सवाल पूछा ऐसा सवाल आपके मन में लाएगा। And if you really take in that questions, you will say that I am not very serious about it. हम आप कह सकते हैं मैं इस सवालों से गंभीर नहीं है, यदि आप उसको थोड़ा भी उसकी मुंह से उसकी उसकी ओर से आने वाले सवालों को थोड़ा भी जगह देना, थोड़ा से evil company, और जो बुरी संगति it will definitely affect our life. वो हमारे चरित्र को बिगाड़ देगा, हमारे जीवन को बिगाड़ देगा। After having raised these questions, और ये सवालों को उगाने के बाद he will establish you in that question. और उस सवालों पे आपको स्थिर कर देगा। That is his real desire. वो उसकी कामना ये है। That is his objective. और वो ये उसको उद्देश्य। And if we can get you fussed in a question like that, और इस प्रकार के सवालों में आपको फंसाऊंगा तो, yeah, then he has won the battle. और वो विजय पा लिया। That is why we see the apostle Paul giving a long list in the book of Romans chapter 8. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के अंदर और प्रेरित पौलुस ने एक बड़ा लिस्ट दे रहा है। After having said all these things, he says, Who can separate me from the love of God? और ये सब बड़ा लिस्ट में कई बातों को बताने के बाद में कौन मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? All these things can never make Paul to question the love of God in his life. और ये सारी घटनाएं सारी बातें जो मेरे जीवन में पर जो प्रभु की बुलाहट है उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। He never questioned the love of God. He never questioned the love of God. वो प्रभु की प्रेम को कभी सवाल नहीं किया। I am sure many times the enemy must have come and whispered in the ears of Paul. मैं निश्चय जानता हूँ कई बार पौलुस के कानों में आकर ही शैतान ने पूछा होगा। Because he was a man with such a call upon his own life. क्योंकि वो ऐसा एक व्यक्ति था जिस पर वो परमेश्वर की बुलाहट इतना जोर था। But in the midst of all that, he says that he overcame the enemy. और वो सब कुछ होने के बाद वो कहता है उस शत्रु के ऊपर मैं प्रबल हुआ है, हम जयवंत से बढ़कर है बोलता है। Every time he brought in a question,
और जब जब एक सवाल का तीर पौलुस के हृदय में छेदता है शैतान, और वो परमेश्वर के प्रेम का प्रति वो सवाल उकाता है, और वो शत्रु को ऊपर वो प्रबल हुआ, he rejected the enemy. और वो शत्रु को तिरस्कार कर दिया, he was an overcomer therefore. और इस कारण वो एक जयवंत है. And so, beloved, और इस कारण प्रिय, even as we see in the life of Jesus, और यीशु की जीवन में यही सामने देखा, yes, we'll see in the life of even Paul, और पौलुस की जीवन में जैसा देखा, you know, the enemy will bring many questions even to us, जो हमारे पास भी शैतान ने कई सवाल लेकर आएगा, but we need to overcome these questions, और ये सारे सवालों के ऊपर हम प्रबल होना है. We have an enemy who is set against you and I, और मैं मेरा और आपके विरुद्ध एक भयंकर शत्रु है. We have said, Lord, we want to satisfy your heart. और क्योंकि हमने एक निर्णय लिया, हे प्रभु, तेरे हृदय को संतुष्ट करके प्रसन्न करने के लिए हम अपने जीवन समर्पण कर लिया. And he hates such ones who have responded to the call and who have desired to walk in that call. और जिन्होंने उस परमेश्वर की उस बुलाहट पे अपने जीवन समर्पण करके, जिन्होंने उस बुलाहट के रास्ता पर चलने के लिए ठान लिया है, वो उसके विरुद्ध और घृणा करता है. You know, as the Lord Jesus stepped out into the ministry of the Father, जब पिता की सेवकाई में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते ही, there is also somebody else who stepped into the ministry. और दूसरा व्यक्ति भी अपने सेवकाई में प्रवेश कर लिया उसी समय. Jesus Christ came out of the waters to do the will of the Father, there is someone also who came into ministry. और जब पानी के ऊपर से बाहर आया प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को सेवा करने के लिए आगे कदम रखा है, तो वो अपनी बात के लिए सेवकाई करने के लिए दूसरे व्यक्ति भी अपने कदम आगे रखा. I want to tell you this, और इस कारण मैं बताना चाहता हूँ, when these glorious days are over today afternoon, और ये महिमा युक्त जो दिन है आज इस मध्याह्न काल का समाप्त हो जाए, as we step out of this place, और ये स्थान से बाहर निकलने के बाद, be aware in your heart there is somebody else stepping out with you as well, please. और प्यारे लोगों, remember this, आप उसको इस स्थूलिकांत से नहीं देख सकता है, आपकी स्वयं की छाया का मानिन आपके साथ इस फेथ अकेडमी से आप बात ऑटो में या पैदल में कैसा भी जाओ, आपके साथ वो भी आएगा. He will follow you. और आपके पीछे he will step out with you. और आपके साथ ही बाहर निकलेगा. And he will keep asking you many questions from today. और आज से आपने क्या सुना कहकर एक सवाल बार बार आकर और सवालें रखेगा. Yeah, he will ask you many, many questions. और कई सवाल पूछे. उसकी उसके हृदय के अंदर एक ही उद्देश्य है. That is that in turn you begin to place these questions before God. और कि वो आपको उसकाएगा, ये सवाल जिस प्रभु ने आपको बुलाया ना, उससे जाकर पूछो कहकर आपको उसकाएगा. And so this question you will bring it and you begin to ask, Lord, really you call me? What is this? If you are really calling me, why is this happening? And if we can get us to question the integrity, the covenant, the promise he has made, I tell you, he has made inroads into our lives. Yare logo, yadi शैतान ने पहले हमारे हृदय के अंदर वो अपने सवाल उगाएगा, हम फिर हमको उसकाएगा, जाकर तेरी परमेश्वर को जिसने आपको बुलाया, जिसको बुलाकर के अपने जीवन समर्पण किया, उससे अपने संदेह क्लियर कर दो कहकर आपको उसकाएगा. यदि आप जाकर अपने महान पवित्र परमेश्वर के सामने ये शैतान के द्वारा आपके हृदय में उगाया हुआ सवालों का रखेगा, तो जो परमेश्वर ने आपसे जो वाचा बांधा है आप उसको तुच्छ समझा है, आपके पांव के नीचे रौंद. Let me just tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. If you and I turn around and begin to nurse a question about His love, about the love of God in our lives, we are not going to be of any use to Him, beloved. और यदि मैं और आप इधर उधर चारों तरफ ताकते हुए, यदि परमेश्वर ने हमसे इतना महान प्यार किया, इस परमेश्वर के महान प्रेम के प्रति यदि हम सवाल उठे, तो हम परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के काम में नहीं आएंगे, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. And the enemy's one desire is that to bring us to that place where we will doubt the love of God, we will doubt His covenant, we will doubt His promises in our lives. जो शैतान ने इस सवालों के द्वारा हमको उस स्थान पर आकर कड़ा करेगा, उस क्षेत्र में आकर कड़ा करेगा, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रेम के ऊपर हम शंका करें.
And I know many, many examples I have seen with my own eyes. मैंने कई और उदाहरण को देखता मेरे आंखों से मैंने देखा. You know where some dear people. और जो जो बहुत प्रिय लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ. You know they turned and began to question God's love and God's commitment that He has made with them. और वह प्रभु ने जो समर्पण जो वाचा बांधा है या उनने जो सुप्रत किया है उसको उन लोग ने सवाल करना आरंभ किया. And they continued to question and question and question in situations and circumstances. और जो वातावरण में या चारों तरफ वातावरण में देखकर वो प्रभु के सामने और दीन नहीं बनता प्रभु से सवाल पूछना शुरू कर दिया. And finally, और अंत में one step down, another step down, and further down and down and down they went in their lives. और वे अपने जीवन में पहले परमेश्वर के समीप वो पर्वत पर खड़ा था एक एक सवाल पूछ परमेश्वर पूछते पूछते और पीछे और नीचे नीचे पीछे पीछे हटकर बहुत दूर चल दिए. Beloved brothers and sisters, परमेश्वर के प्रिय भाइयों बहनों, you know God doesn't want us to go in a backward like that in our life. परमेश्वर हमें ये नहीं चाहता है हम इस प्रकार हमारे जीवन में पीछे हट जाएं. You know, we should never be in a place where we begin to question our Lord's love and in a place where we begin to question His covenant and His commitment He has made to us. और जो हम उस स्थान पर कभी भी उस स्थान तक हम पीछे नहीं हटना कि हम परमेश्वर की प्रेम को परमेश्वर जो हमारे साथ वाचा बांधा है उस वाचा के लिए प्रभु ने पूरा करने के लिए अपने आप को सुपुर्द किया है उसको हम सवाल ना पूछें. So let us remember this covenant that God has made with us in these days. और ये वाचा प्रभु इन दिनों में हमारे साथ बांधा है इसको स्मरण रखें. You know this assurance in my heart. और ये जो निर्णय है ये निश्चय जो है मेरे हृदय में that God has made a covenant with me as I consecrated my life that will go a long way. It will minister peace, it will minister life, it will minister rest to our being. और जो प्रभु ने ये जो मेरे साथ वाचा बांधा है इसको ये क्या वाचा है जिस बलाहट के लिए मैंने प्रभु के लिए मैं उसकी बुलाहट ली जब मैंने प्रभु के लिए समर्पण किया है तो वो जो प्रभु की वाचा जो है मेरे से बांधा अभी से आने वाले दिनों में तक हमेशा ये वाचा जो है शांति का वाचा है जीवन की वाचा है तसल्ली की वाचा है. You know, it brings a tremendous satisfaction in our inner being in the midst of every battle, in the midst of every storm and rain. हमारे जीवन के कई संग्राम की परिस्थिति पर भी या कई इस प्रकार की ऋणात्मक और वातावरण में भी नकारात्मक वातावरण में भी और ये जो वाचा को हम हमारे हृदय में बने रहे इस बुलाहट की ओर आगे बढ़ते जाएं तो बड़ा तसल्ली देगा हमको सामर्थ्य देगा. In the midst of all situations, let us be assured in our hearts that the Lord loves me. Amen. And nothing can separate me from the love of God, not the financial crisis, not the situations in the family, not the bodily afflictions. Nothing can cost me, nothing can bring me to the place where I will begin to question my loving God. आने वाले दिनों में हमारे जीवन में कितना भी कठिनाई की वातावरण आए परंतु चाहे वो हमारे आर्थिक संकट क्यों ना हो या शारीरिक पीड़ा या शारीरिक बीमारी क्यों ना हो और भी अन्य प्रकार की मानसिक प्रकार की तनाव भी क्यों ना हो परंतु इस बात को हम निश्चय जान ले ये परमेश्वर की प्रेम अटल है इसमें वो प्रभु ने इसमें बने रहेगा वो उसमें विश्वासियों के कहने से ये बात जो है सब प्रकार की वातावरण में भी आपका हृदय को तसल्ली देगा आपको उसमें बने रहने के लिए सामर्थ्य देगा और आपको शांति प्रदान करेगा आपको जीवन भी देते रहेगा. Given to the questions of the enemy. और शत्रु की सवालों को हम कान फेर कर ना दें. On the other hand, और दूसरे शब्दों में, let us recognize one thing. और एक बात को और समझें. That the call with which God has called me is of a great value to my loving God. और जो प्रभु ने जिस बुलाहट से मुझको बुलाया वो मेरे परमेश्वर के लिए उस बुलाहट जो है बड़ा मूल्यवान. He has called me with a great and a high call in my life. और क्योंकि मुझको बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य बुलाहट से मुझे बुलाया. While many are not able to hear such a word and a call of God like this. और
इस दुनिया के अंदर हमारे से बुद्धिमान, हमारे से अनुभवी, हमारे से अच्छा विश्वासी लोग इस परमेश्वर की इस बुलाहट को नहीं सुना या बुलाहट को नहीं समझने के अवसर पर Why the God, the Lord has given a call, many tribes did not respond. Lord, you help me to respond to this call. Therefore, Lord, I will remain in this call of God all the days of my life. परंतु मैं तू हे प्रभु तूने मुझे तुच्छ व्यक्ति को तूने बार बार बुलाते रहा आज से प्रभु इस बुलाहट के मैं अपने जीवन समर्पण करूंगा तेरे को हृदय को प्रसन्न करूंगा कहकर अपने जीवन समर्पण करने से प्रभु इसको स्वीकारेगा और उस प्रेम में बने रहेंगे Lord, I realize, और मैं ऐसा मैं समझता हूँ I understand, मैं समझता हूँ and I have the assurance in my heart, और मेरे हृदय में एक दृढ़ निश्चय पा लिया है that I am in this beloved call of God in my life, और मेरे जीवन में इस परमेश की इस प्रिय बुलाहट में मैं हूँ and I want to tell us one thing in closing, और अंत में मैं ये बात बताना चाहता हूँ there is nothing that can ever be compared to this call of God, और इस परमेश की इस बुलाहट के तुलना में कोई दूसरा चीज नहीं हो this call is not a comparative thing at all, और ये जो बुलाहट किसी को तुलना नहीं करने का है it is never a comparative thing, और ये किसी से तो तुलना करने का नहीं बट इट इज एन एब्सोल्यूट थिंग क्योंकि वो उसमें संपूर्ण वो एक विशेष नथिंग कैन एवर बी कंपेयर्ड टू दिस कॉल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस और मसीह यीशु में जो परमेश्वर की इस बुलाहट को कोई भी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकता इट इज नॉट दैट द लॉर्ड लाइक्स अ सर्टेन थिंग And so we do a certain thing. और ये नहीं प्रभु परमेश्वर ने कुछ बातों को पसंद करता है इसलिए हमने कुछ बातों करते हैं And so the Lord will bless what I am doing. और इस कारण जो कुछ भी मैं ईश्वर यीशु मसीह के नाम से कर रहा हूँ परमेश्वर स्वीकार करें ऐसा नहीं is that this is upon which the heart and desire and the longing and the thought of God is set upon. और इसी मेरे और आपकी जीवन के ऊपर इस बुलाहट के ऊपर ही परमेश्वर ने सारे अपने आकांक्षाएं अपने कामनाएं अपने पूरी विचार रखा है Beloved, this morning, let us reach out unto this call of God in our lives. ओ प्यारे आज इस अवसर पर इस परमेश्वर की इस बुलाहट को हम नजदीक पहुंचे या उसको पकड़ें Let us reach out by all faith in our hearts this morning. हमारे हृदय में सारे विश्वास के साथ इस परमेश्वर की इस बुलाहट को और हम पकड़ें And let us consecrate this one life. और हमारे इस एक ही जीवन को उस बुलाहट के लिए समर्पण करें Consecrate this one life after all, one life. हमारे लिए एक ही जीवन एक ही जिंदगी है इस बुलाहट के हम उस हमारे एक ही जीवन को संस्कार करें And much of this life is already spent for God.